टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ थर्मोडाइनेमिक सिस्टम। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ थर्मोडाइनेमिक सिस्टम्स, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम्स एंड आइसोलेटेड सिस्टम्स। अब ये तीनों टाइप हम एक एक करके अच्छे से समझेंगे विथ एग्जाम्पल। ओपन सिस्टम, व्हेन इन अ सिस्टम मास एंड एनर्जी इंटरेक्शन इज पॉसिबल देन दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एन ओपन सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसमें मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफ़र हो अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम इज नोन एज ओपन सिस्टम। जिसमें मास और एनर्जी बाउंड्री को क्रॉस कर दे उसको बोलेंगे ओपन सिस्टम्स। डैट मीन्स मास कैन गोइंग इन एंड मास कैन गोइंग आउट ऑफ द सिस्टम एज वेल एज एनर्जी कैन गोइंग इन एंड एनर्जी कैन गोइंग आउट ऑफ द सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि जो एनर्जी मास जो है वो इन कर सकता है आउट कर सकता है, और उसके साथ एनर्जी भी है वो भी इन कर सकता है और आउट कर सकता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एनर्जी इन हो रहा है, यहाँ से एनर्जी इन हो रहा है, यहाँ से एनर्जी आपका आउट हो रहा है। ठीक, इधर से मास भी इन हो रहा है और मास भी आउट हो रहा है। मास मास मतलब समझ लीजिए मैटर, कोई भी चीज़ हो सकता है, वाटर हो सकता है। अब नेक्स्ट चलेंगे हम एग्जांपल देख लेते हैं इसका। ओपन एन ओपन कप ऑफ की, जैसे कोई कप है, ठीक, अब इसमें वाटर है, हम इधर से इन कर सकते हैं, इधर से हम आउट भी कर सकते हैं, मास का भी इन कर सकते हैं, मास का आउट भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं क्लोज्ड सिस्टम। द क्लोज सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ अ फिक्स्ड मास, ऐसा सिस्टम जिसमें जिसका जो मास है वो फिक्स्ड हो, उसमें कोई चेंजिंग ना हो। इट मीन्स मास कैन नॉट क्रॉस द सिस्टम बाउंड्री, और इसमें जो मास है वो बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकता है। बट एनर्जी कैन क्रॉस द सिस्टम बाउंड्री, जो एनर्जी है वो क्रॉस कर सकता है। जैसे आपको ये फिगर में दिख रहा है एनर्जी इन हो रहा है, एनर्जी आउट हो रहा है, बट इन केस क्लोज सिस्टम जो मेरा मास है वो ना आउट हो रहा है ना इन हो रहा है, ना इन आउट हो रहा है ना इन हो रहा है, मतलब मास जो है इसमें कुछ नहीं हो रहा है। अब चलेंगे इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अ कप ऑफ कॉफ़ी विथ लीड ऑन इट और अ सिंपल वाटर बॉटल, कोई एक वेसल बनाते हैं जिसमें वाटर है, ठीक, और इसको ऊपर से ढक्कन या क्या बोलते हैं लीड लगा दिए। अब इसमें देखिए एनर्जी का तो ट्रांसफ़र हो रहा है, एनर्जी इधर से इन कर रहा है, इधर से आउट भी कर रहा है, बट जो मास है मास का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, मास का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है इसमें। अब चलते हैं नेक्स्ट, आइसोलेटेड सिस्टम। इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम नाइदर मास इंट्रैक्शन इज पॉसिबल और एनर्जी इंट्रैक्शन इज पॉसिबल। इस सिस्टम में हम जो मास है और एनर्जी है इसमें ना मास का इंट्रैक्शन हो रहा है ना एनर्जी का इंट्रैक्शन हो रहा है, बोले तो जो मास और एनर्जी है वो बाउंड्री को अक्रॉस नहीं कर पा रहा है, और इस सिस्टम को हम बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, आप अपने घर में यूज़ करते हैं अ थर्मस बॉटल, जो कि जिसमें टेम्परेचर जितना हीट करके हम टेम्परेचर डालते हैं उतना टेम्परेचर उसका मेंटेन रहता है, उसको बोलते हैं हम आइसोलेटेड सिस्टम। ना उसमें ना एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है ना मास का ट्रांसफ़र हो रहा है। आप इस फिगर में देख सकते हैं ना एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है ना मास का ट्रांसफ़र हो रहा है, ना एनर्जी इन हो रहा है ना एनर्जी आउट हो रहा है, ना एनर्जी मास आउट हो रहा है ना मास इन हो रहा है।